पीएनबी न्यूज़, खबर आप तक। 5 सितंबर यौम असातिज़ा के मौके पर कारवार तालीमी ज़िले के लोअर प्राइमरी और हाई स्कूल के 5-5 असातिज़ा की जाएगी तहनियत। मुर्डेश्वर हाई स्कूल के हेडमिस्ट्रेस शाहिन बदर साहिबा को भी बेस्ट टीचर का दिया जाएगा एजाज। भटकल वेलफेयर हॉस्पिटल में एक और तजुर्बाकार डॉक्टर की फराहम होंगी खिदमात। डॉक्टर यज्ञेश वेलफेयर हॉस्पिटल में देंगे अपनी खिदमात। 10 सितंबर तक मुफ्त इलाज की फराहम की गई है सहूलत। मरकजी हुकूमत ने रियासतों को GST का बकायाजात देने से किया इनकार। रियासती हुकूमतें कर्ज लेने पर मजबूर। कर्नाटक भी ले रहा है 11,000 करोड़ का कर्ज। फिरकावराना बयानात के जरिए नफरत का बाजार गर्म करने वाले टीवी चैनल सुदर्शन टीवी के खिलाफ कई साबिक अफसरान ने PM मोदी को लिखा खत। खत में सुदर्शन टीवी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का किया गया है मुतालिबा। गुस्ताख नवीन के खिलाफ बर वक्त की जाती कार्रवाई तो के जहली फसादात नहीं होते बर्पा। सिद्धारामैया का तशद्दुद ज़दा इलाके का दौरा करने के बाद तबसरा। हिंदुस्तान मुसलसल चीनी एप्स पर लगा रहा है पाबंदी। PUBG समेत 118 चीनी ऐप्स पर हिंदुस्तान ने लगाई रोक। इससे कबल जून में TikTok समेत 59 ऐप्स पर लगी थी पाबंदी। BJP के कारकुन और लीडरों के खिलाफ दर्ज संगीन 62 मुकदमात को लिया जाएगा वापस। येडियुरप्पा सरकार के फैसले से अपोजिशन समेत इंसाफ पसंद हलकों में नाराजगी। दिल्ली में 3 महीने के अंदर अंदर हटाई जाएंगे रेलवे लाइन के अतराफ की झोपड़ियाँ। सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया हुक्म। अब पार्लियामेंट में भी नहीं पूछे जा सकेंगे जुबानी सवालात। कोविड का हवाला देकर तहरीरी सवाल पेश करने का दिया गया है हुक्म। अपोजिशन समेत आवाम भी नजर आ रहे नाखुश। फैसले को करार दिया जा रहा है जमहूरी हक के खिलाफ।